बच्चों, हिंदी में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम संज्ञा की पुनरावृत्ति करेंगे। संज्ञा हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं। संज्ञा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, उसके उदाहरण, संज्ञा को किस तरह से परिभाषित किया गया है, संज्ञा के भेद, उन भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और अंत में हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं संज्ञा की ओर। सबसे पहले संज्ञा होती क्या है? संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन जगहों पर भी आप जाते हैं, जिन व्यक्तियों से मिलते हैं और जिन भावों को लोग व्यक्त करते हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तक, कक्षा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, मोर, घोड़ा आदि। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, हर किसी का कोई ना कोई नाम है और इन नामों को हमने संज्ञा कहा है। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद की ओर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इन भेद को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो भी शब्द है, अगर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हमें करवा रहा है या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हमें जानकारी दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए राम, श्याम, राधा, ये व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। कुतुब मीनार, ताजमहल, ये क्या है? भवनों या इमारतों के नाम हैं, स्मारकों के नाम हैं, ठीक है। वहीं रामायण, गीता, ये क्या है? पुस्तकों के नाम हैं। अर्थात किसी विशेष पुस्तक, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष इमारत की हम बात कर रहे हैं। वहीं हिमालय जो है, एक पर्वत या स्थान का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात विशेष व्यक्ति नहीं, अब हम कह रहे हैं किसी एक जाति, संपूर्ण जाति का जिससे बोध हो रहा हो, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के रूप में बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक,
बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या है? जातिक वाचक संज्ञा है। अगर किसी बच्चे का नाम ले लिया, कह दिया पिंटू, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ बच्चा एक जाति को संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अंतर। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की दशा, अवस्था और भाव का बोध कराने वाले या बोध का जिनसे पता चले, भाव का जिनसे पता चले, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, थकान, मानवता, चतुराई, जवानी, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध आदि। तो ऐसे अन्य कई शब्द जो संज्ञा के भाव, उसकी अवस्था, उसकी दशा का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में से आप किसी को छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? उदाहरण के तौर पर कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, हीरा, चीनी, नमक आदि, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? इन्हें नापा या तोला जा सकता है। तो ये हो गए हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। आगे बढ़ते हैं अंतिम संज्ञा की ओर, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तक हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित कर रहा था। फिर हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, जो हमें क्या बोध कराता है? किसी जाति विशेष की हमें जानकारी देता है, कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलता है। इस शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, टुकड़ी आदि, ठीक है। जैसे भीड़, मेला, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? लोगों का समूह देखते हैं। यहाँ पे एक या दो व्यक्तियों की बात नहीं कह सकते, ठीक है। कक्षा में बच्चों का समूह होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं। तो ये जो उदाहरण हैं, ये हमें संज्ञा के समूह का बोध करा रहे हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाली जो संज्ञा है, वो जो शब्द है, वह कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। तो हमने पांचों प्रकार भली भांति अब समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपको किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है,
सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प का अर्थ है, जैसे आप MCQ करते ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको क्या होता है, कई विकल्प दिए जाते हैं, उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर कोई एक विकल्प आपको चुनना होगा। देखिए, पहला प्रश्न, कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। जब भी आपको विकल्प चुनने जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तब प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आपको नीचे दिए गए विकल्पों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न को समझकर विकल्पों को, सारे विकल्पों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहला विकल्प आपको सही लग गया और आपने उसका पहले विकल्प पर ही निशान लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझकर सही विकल्प पर निशान लगाना है, सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न, कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प देखिए, भारत। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देश का नाम है। चावल, चावल ऐसी वस्तु है जो कि क्या है, ठोस पदार्थ है, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और केशव, केशव एक बालक का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है कि तीनों विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, चावल। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो आपको दो को चुनना है। दूसरा प्रश्न देखिए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, समूह यानी जो संज्ञाओं के समूह को बताती है, नदी। नदी जो हमारा है वह है जातिवाचक संज्ञा। बर्मा, बर्मा देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और परिवार, परिवार में सदस्यों का समूह होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प तीन, परिवार। आगे बढ़ते हैं, गन्ने में मिठास है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? गन्ने में मिठास है, मिठास शब्द को रेखांकित किया गया है, ठीक है, उसके नीचे रेखा की खींची गई है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा भेद है। तो मिठास क्या है, भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प दो, भाववाचक संज्ञा। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, और तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, जिसे हमें चुनना है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, सही विकल्पों को चुनिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, विकल्प नहीं है, विकल्पों को चुनिए, अर्थात बहुवचन है, एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही हो सकते हैं, तो एक से अधिक विकल्प आपको चुनने हैं। पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, देखिए है पर भी बहुवचन है, प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि एक से अधिक है, तो जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, पहला है पुस्तक, दूसरा है लड़का, तीसरा है केशव, और चौथा है चावल। ठीक है, तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, केशव है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और चावल है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारे सही विकल्प हो गए, विकल्प एक पुस्तक और विकल्प दो लड़का। दूसरा प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, नदी, बुढ़ापा, परिवार, शत्रुता। इसमें भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, आपको एक से अधिक विकल्प चुनना है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, परिवार समूहवाचक संज्ञा है,
और शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो शत्रुता और बुढ़ापा क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 3 देखिए, एक अलग तरीके का प्रश्न है। वाक्य सही है या गलत पहचानिए। आपको सही या गलत पहचानना है, होता है ना स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, तो आपको सही या गलत की पहचान करनी है। घी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हाँ, घी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सही है या गलत? हमारा विकल्प सही है, ठीक है। तो घी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पहला सही विकल्प हम चुन लेंगे। अगला देखिए, मनुष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य क्या होता है? एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो विकल्प सही और गलत में से हम क्या चुनेंगे? गलत। तो आप अब भली भांति समझ गए हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या हैं, और अब प्रश्न पत्र के समय आपको किस प्रकार से संज्ञा को हल करना है।